गाइज, वीवो ने फाइनली अपना V17 प्रो लॉन्च कर दिया है और इसमें हमें मिलता है वर्ल्ड का फर्स्ट ड्यूल पॉपअप सेल्फी कैमरा। उसके साथ साथ इसका प्राइस लगभग 27 से 28 हज़ार रुपये रहने वाला है और इसमें हमें क्वाड रियर बैक सेटअप देखने को मिल जाता है। आज हम इसका करने वाले कंपेरिजन शॉमी के नोट 8 प्रो के साथ, इसमें भी हमें क्वाड रियर सेट बैकअप देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस लगभग 15 हज़ार रुपये रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर V17 प्रो में हमें 6.44 इंचज की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और वहीं पर हमें नोट 8 प्रो में 6.53 इंचज की सेम फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर V17 प्रो में हमें सुपर एमोल्ड पैनल देखने को मिल जाता है, बट हमें नोट 8 प्रो में यहाँ पर हमें IPS LCD देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फोन्स में। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो V17 प्रो में हमें स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और वहीं पर हमें एंड्रीनो के 612 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में हमें पाई की स्पोर्ट और साथ में फ्रंट टच 9 की स्पोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर मी नोट 8 प्रो में हमें हीलियो मीडियाटेक हीलियो G90T देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। साथ में हमें मिल जाते हैं माली G76 MC4 के ग्राफिक्स और साथ में हमें पाई की स्पोर्ट साथ में MIU 10 की स्पोर्ट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर मी नोट 8 प्रो आगे निकल जाता है क्योंकि जो मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर है काफी फास्ट है कंपैरिजन टू V17 प्रो से। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की मेमोरी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में हम 256 GB तक मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, बट Redmi Note 8 Pro में आपको सिम स्लॉट को शेयर करना पड़ेगा अगर आप एक मेमोरी कार्ड ऐड करना चाहते हैं। वहीं पर हमें V17 प्रो में एक डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाती है मेमोरी कार्ड के लिए। यहां पर आपको एक ही वेरिएंट्स मिलेगा 8 GB वाला, वहां पर नोट 8 प्रो में हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की, तो यहाँ पर हमें वीवो V17 प्रो में बैक में 48+8+13+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें 32+32 का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर हमें Redmi Note 8 प्रो में 64+8+2+2 मेगापिक्सल का बैक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में हमें फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के बैटरी की, तो V17 प्रो में हमें 4100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। वहीं पर हमें नोट 8 प्रो में 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आती है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।